चांद और मैं तारा। ये तो अभी तक रो रही है। हाँ, बहुत तकलीफ है। बच्चों के दांत तो टूटते रहते हैं ना मोहित, इसमें इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? अरे आप जानते भी कितना खून निकला इसका, बड़ी मुश्किल से तो रोका मैंने। दांत टूटेगा तो ब्लड तो निकलेगा ना। आप नहीं समझेंगे। क्यों, मैं ना समझूं? बस समझ ना समझ की नहीं है, बात औलाद की है। जब अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा ना, तब मैं आपसे खुश होऊंगा। मोहित, मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रांग है, आपको अंदाजा नहीं है। अभी यही समझता था तब तक मनु नहीं हुई थी। इस बात की तारा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें इस शर्त पर दिया था कि तुम नहीं रहोगे यहाँ, यानी पाकिस्तान में। मम्मा, उसे कैसे पता चलेगा? और कौन कौन सी शराइत तय हुई? बाय, कौन सी शराइत? नहीं, कोई भी नहीं। जिन शराइत पे तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। तारा, तुम प्लीज आके यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुझे सारी बातें नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारे और मामा के बीच क्या तय हुआ था। अरे कुछ भी नहीं, वो तुम अपनी जॉब के। तुम्हारी जॉब? मैं तुम्हारी जॉब की नहीं, उस शर्त की बात कर रही हूँ। वो तो मुझे मामा ने कहा और तुमने मान लिया, इसीलिए तुम इतनी जिद कर रहे थे बाहर जाने के लिए। I swear, मैं सिर्फ अपनी जॉब के सिलसिले में जाना था। तुम्हारी ये जॉब तो तुम्हारा बहाना है। तुम्हें बाहर इसलिए जाना था क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था मामा के साथ, इसीलिए तुमने घर वालों से भी झगड़ा कर लिया। मैंने झगड़ा किया है? इतनी जरा सी बात पे बाबूजान ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं तो वो भी पी गया खामोशी से। यार तुमने जितनी बदतमीजी की थी ना, शुक्र करो उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा है। बाबूजान को बहुत शौक है सबको बांध कर अपने पास रखने का। बड़े अफसोस की बात है सारिन, सबको जोड़े रखने के लिए बाबूजान ने दूसरी शादी देखी, और तुम उनका एहसान मानने के बजाय तुम इतनी फजूल बातें कर रहे हो। लेकिन हम में से किसी ने उन्हें मना नहीं किया था। मना तो उन्होंने भी नहीं किया तुम्हें बाहर जाने से, लेकिन अब सिर्फ तुम जाओगे, मैं नहीं। बड़ा तुम सुपर सुपर करते फिरते हो ना, अगर इतना ही सुपर बनना चाहते हो तो अपने घर वालों का सोचो, उनको छोड़कर मत जाओ सारे। जिस तरह तुम यहाँ तक पहुँचे हो वैसे ही तो उनके लिए भी सुपर बनो। जो बात करनी है यहीं से करो। तारा, हम बैठकर सुकून से भी तो बात कर सकते हैं यार। तुमने बात की थी उस शर्त के बारे में? I swear, मैं तुम्हारी खातिर माना था सिर्फ। तो ठीक है, मेरे खातिर अब इनकार कर दो। अरे इनकार कैसे कर दूं, मैं प्रॉमिस कर दूंगा उनसे। तुम्हें अपने प्रॉमिस का एहसास है लेकिन मेरी और अपने घर वालों की फीलिंग्स का नहीं। प्लीज मेरे घर वालों को बीच में मत लाओ यार। उन्हीं घर वालों की वजह से तुमसे शादी के लिए हाँ की थी मैंने। क्या बातें कर रही हो तुम? तुमने मेरे खानदान को देखकर मोहब्बत की थी मुझसे क्या? शादी उनको देखकर ही की है। तारा, तुम्हें जिंदगी उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ गुजारनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें समझने की कोशिश ही कर रही हो सारे। आज जब तुम एक प्रॉमिस के लिए अपने बाउजन को छोड़ सकते हो तो कल तुम किसी भी चीज के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो सारे। आपने किसी को बताया तो नहीं? नॉट एट ऑल। तुम ना खामोशी से जाकर तारा के कमरे में सो जाना, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। थैंक यू अंकल। अरे अंकल नहीं, अब्बा। थैंक यू अब्बा। चलो चलो चलो। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सारे? तुम अपनी जिंदगी से चीजों और रिश्तों को माइनस करना बहुत अच्छे से जानते हो। तुम एक ही लम्हे में हर उस शख्स की नफी कर देते हो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने किसकी नफी की है? सफो चाची की। मेरे एग्जाम्स की नाकामी तुमने उनके खाते में डाल दी, और फिर तुम्हारे सगे बाऊजान जो तुम्हें लगता है तुम्हारे फ्यूचर में सबसे बड़ी रुकावट है, और उसके बाद तुम उन्हें सॉरी तक नहीं कहते। सॉरी किस बात की? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है सारे। तुम्हें कोई चीज गलत लगे तो तुम सॉरी कहो ना, और सॉरी भी क्यों कहोगे तुम? तुम्हारा तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। रिश्तों का क्या है, वो तो जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर बन ही जाएंगे। इंसान को ना बस सेल्फिश होना चाहिए तुम्हारी तरह। पिछले कुछ दिनों से मैं बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि रात में ना सोचने का वक्फा ले लिया करें, क्योंकि आपका तो पता नहीं पर कम अज कम मेरा उल्लू के खानदान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्या सोचा आपने? भाई 2:30 बजे आपने कॉल कर दी, फिर मैं जॉगिंग पे आ गई, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर कब सोचेंगी आप? हाँ ये मैं घर जाके सोचूंगी कि मैं कब सोचूंगी। रूमी, रूमी, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ ताकि कोई एक तो सुकून से जिंदगी गुजार सके। रूमी, तू चांद और मैं तारा।